गाइज आज मैं आप लोगों से बात करूंगा 5 ऐसे अंडररेटेड पैसिव इनकम सोर्स जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं ये अंडररेटेड का क्या मतलब है, तो गाइज यही वो आज का टॉपिक का मेन जो लाइमलाइट है वो ये वर्ड है अंडररेटेड। कैसे? अब आप बोलोगे क्या है, जल्दी समझाओ। देखो अंडररेटेड का मतलब होता है कि एक ऐसा पैसिव इनकम का सोर्स जिसमें बहुत हाई वॉल्यूम काम अवेलेबल है, मतलब काम बहुत अवेलेबल है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, मतलब लोग इसको नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इजीली इस काम को अचीव कर सकते हो और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इसमें काफी ज्यादा मास में आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। इसका ही ये मीनिंग है अंडररेटेड पैसिव इनकम सोर्स। गाइज अगर मैं आज इस 5 सोर्स को आपके साथ बैठ के रिवील कर लूं, डिस्कस कर लूं और डिटेल में बता दूं, इनमें से कोई एक अगर आप पकड़ लेते हो अपने लिए, तो गाइज आई कैन से दैट कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से उसमें अपना करियर बना सकते हो। बट खाली रीजन ये रहेगा कि उसको आप दिल से करोगे और बहुत मेहनत से करोगे। अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानो मैं आज आपको एक ऐसा करियर दे सकता हूं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूं कि वो 5 अंडररेटेड पैसिव इनकम सोर्स कौन से हैं। मैं 5 के पहले नाम लिख देता हूं और फिर उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि इन 5 में से आपको कौन सा यूज करना है, किसको अपना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना है वो आप देख लेना। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, 2 एग्जांपल दूंगा, 1 एग्जांपल 2 हर सोर्स का, कि आप इस सोर्स में ये 2 कर सकते हो, इस सोर्स में ये 2 कर सकते हो, इस सोर्स में ये 2, इस सोर्स में ये 2। और उसके बाद अगर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है तो कर लेना, क्योंकि जब तक एग्जांपल ना मिले तब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। द फर्स्ट थिंग जो आपको कर लेना चाहिए एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम वो है यू कैन डेवलप मोबाइल एप्स। ये प्ले स्टोर के लिए बता रहा हूं मैं। अब इसका मतलब क्या है, चलो समझो। गाइज आपको पता है ना, आपने बहुत सुना है कि ब्लॉग बना के लोग मोनेटाइज करते हैं, लोग यूट्यूब वीडियोस बना के गूगल से मोनेटाइज कर लेते हैं। सेम हैपेंस विद एप्स, बना के भी लोग अपना ऐप मोनेटाइज करते हैं, ऐप के अंदर भी ऐड चलता है। और जब ऐप के अंदर ऐड चलता है तो गाइज उसमें से भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जल्दी से आते हैं कैसे। आपने गूगल प्ले स्टोर में से ऐसे बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड किए होंगे जिसपे आप या तो गेम खेलते हो, या फिर कैलकुलेशन के लिए कोई कैलकुलेटर डाउनलोड करते हो, या फिर वेदर देखने के लिए कोई वेदर का ऐप डाउनलोड करते हो, या फलाना ढिमकाना GST निकालने के लिए कुछ भी आप जब उस ऐप को डाउनलोड करते हो। आपने नोटिस किया है कि वो ऐप फ्री में तो डाउनलोड होता है लेकिन उस पे काफी ज्यादा एड्स चलती है और उस एड से वो डेवलपर अर्न करता है। अब डिपेंड करता है वो कितना अर्न करेगा, वो ये है कि आपका ऐप कितनी बार डाउनलोड हुआ है और लोग उसको कितना डेली ओपन कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करोगे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपका ऐप चल गया तो आप ब्लॉग और यूट्यूब से कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये ऐप उसके मोबाइल पे इंस्टॉल रहता है और वो डेली उसको इस्तेमाल करता है, जिस वजह से आपका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जल्दी से आते हैं 2 एग्जाम्पल पे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि किस टाइप के ऐप्स आप बना सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको एक एवरग्रीन ऐप के बारे में बता रहा हूं जो कि लेस कॉम्पिटेटिव भी होगा लेकिन लोगों को जरूरत भी है। वो है व्हाट्सएप। नहीं, व्हाट्सएप आपको नहीं बनाना, व्हाट्सएप नंबर विदाउट सेविंग मैसेज। मतलब आज की डेट में अगर हमें किसी व्हाट्सएप करना होता है तो हम पहले उसका नंबर सेव करते हैं, उसके बाद ही मैं उसको व्हाट्सएप कर पाता हूं। एग्जैक्टली। तो अब अगर मैं बताऊं कि आप ऐसा कोई ऐप बनवा लो जो कि निहायत ही ईजी है, इस टाइप का ऐप बनाना निहायत ही ईजी है 10,000 रुपए में। अगर आप किसी को हायर भी कर लोगे ना, 10,000 रुपए एक बार देने हैं, वो आपको ये ऐप बना के दे देगा। बहुत आसान ऐप है और लोग इस ऐप को फ्री में डाउनलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा भी करना होता है कि यार नंबर सेव नहीं करना है लेकिन फिर भी एक मैसेज भेजना है, इसके लिए उनको एक ऐसा ऐप चाहिए होता है और इस ऐप की डिमांड इस कारण बढ़ जाती है और यूसेज एंगेजमेंट भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि खासकर सेल्स वाले बंदे, खासकर सर्विस इंडस्ट्री वाले बंदे इस ऐप का इस्तेमाल बहुत करते हैं। और आपको पता है कि इंडिया में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं जिनको डेली ऐसा मैसेज करना पड़ता है, या फिर सर्विस इंडस्ट्री के लोग कितने हैं जिसको डेली ये मैसेज करना होता है। उस वजह से इस ऐप का एंगेजमेंट डेली बढ़ जाता है, इस पे ऐड भी चलेंगे और सेकेंडली आप उस ऐड बंद करवाने के भी चार्जेस ले सकते हो यूजर से। अब बहुत सारे यूजर्स होंगे जिनको ऐड नहीं चाहिए तो वो आपको हर महीने का 100, 50, 150 रुपए देने के लिए रेडी हो जाते हैं अगर उनका वो डेली का ऐप यूसेज
है। तो इस तरीके से इस टाइप के ऐप बना के आप पैसिव इनकम लाइफ टाइम तक जनरेट कर सकते हो विदाउट वर्किंग हार्ड ऑन इट। एक बार मार्केटिंग करनी होती है, एक बार यूजर बन गया उसके बाद कहानी खत्म, वो यूजर कंटिन्यूसली यूज करता रहेगा इसे और आप पैसा छापते रहोगे। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल कि आप और कैसे ऐप बना सकते हो। सेकंड ऐप का आइडिया मुझे कहां से आया, सेकंड ऐप का आइडिया ये हो सकता है कि आप न्यूली प्रेग्नेंट कपल्स के लिए ऐप बनाओगे, क्योंकि जब कोई न्यूली प्रेग्नेंट बनते हैं, एक कपल जो प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि क्या क्या करना होता है डेली बेसिस पे। आपको सिर्फ एक ऐसा ऐप बनाना है जिसमें 9 महीने का पूरा डे वाइज उसमें चार्ट होगा कि पेरेंट को क्या क्या करना चाहिए, मदर को ये करना चाहिए और फादर को ये करना चाहिए। अब उस ऐप में खाली एक बार डेटा फीड करना है और वो ऐप में और कुछ नहीं है, ऐप बन जाएगा। डेली आपके यूजर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आज 30वां दिन है आपके प्रेगनेंसी का, तो आपको ये करना चाहिए, फादर को ये और मदर को ये। अब इस टाइप के ऐप ना इस दुनिया में मैक्सिमम न्यूली पेरेंट्स इंस्टॉल करते ही करते हैं, और खासकर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, फर्स्ट टाइम उनको कंसीव उन्होंने किया होता है, वो तो करते ही करते हैं। तो गाइज इस टाइप की ऐप में ताबड़तोड़ डाउनलोड्स और ताबड़तोड़ एंगेजमेंट आता है एज पर माई एक्सपीरियंस और एज पर माई रिसर्च। तो ये सेकेंड टाइप का ऐप है जो कि आपको मैं एज एन एग्जाम्पल दे सकता हूं कि अगर आप चाहो तो आप डेफिनेटली इसको बनवा के फ्रीलांसर से किसी भी फाइवर पे जाओ, किसी फ्रीलांसर को हायर करो, डेवलपर को वहां से, और ये ऐप एक बार 5-10 हज़ार रुपए देके इससे बनवा के उसका फाइल लेके उसको अपना ओनरशिप में प्ले स्टोर में अपलोड कर दो। $25 का एक टाइम का कॉस्ट आएगा, उसके बाद उस ऐप से आप लाइफ टाइम अर्न कर सकते हो। बस मार्केटिंग करनी है, वो मार्केटिंग कैसे करनी है ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पे, जाओ वरना आई बटन पे क्लिक करो एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग डाउनलोड्स ऑफ योर ऐप। एंगेजमेंट की तो कमी नहीं होगी क्योंकि एंगेजमेंट का मैंने रीजन आपको दे रखा है। अब पेरेंटिंग वाले ऐप में भी एड चलेंगी, एड से अर्न करेंगे अगर फ्री वाले डाउनलोड्स है तो, लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को एड हटाना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उनको इरिटेटिंग सा लग रहा है, तो वो पे भी करेंगे एटलीस्ट उस 9 मंथ के लिए, जिस 9 मंथ पे उन्हें डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आपका ऐप भेजेगा कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। तो कमाल का ये आइडिया गाइस, मैंने अपने लिए रिसर्च किया है लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया है, ये सोचते हुए कि मेरे व्यूअर्स को भी हर एक बारीकी का पता लगे जो कि उनके लाइफ में वैल्यू डाल सकता है। तो मैंने अपना रिसर्च आपको दे दिया है, मैं इस टाइप के ऐप को बनवाने वाला हूं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं खुद कोडर नहीं हूं, मैं भी फ्रीलांसर हायर करूंगा और मैंने एग्जैक्ट अपना रिसर्च आपके हाथों में ऐसे परोस दिया। अब अगर आपको लगता है कि आपको एक लाइक दे देना चाहिए तो लाइक दे देना, बाकी आपकी मर्जी है, मैं फिर भी आपको बाकी पैसिव इनकम सोर्सेज यहां पर बताने वाला हूं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट में मूव करने से पहले मैं आपको एक और ऐसे ऐप के बारे में बता दूं जिस ऐप से आप डायरेक्टली अर्न कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज पॉन्स ऐप, PAWNS। पॉन्स ऐप दो तरीके से आपको अर्न करने में हेल्प करता है गाइज आज के डेट में। एक तो आप अपना खुद का इंटरनेट शेयर करके अर्न कर सकते हो, जैसे कि बिटकॉइन में माइनिंग होती है, सेम वैसे ही मानो। इनका सिर्फ मेन पर्पस होता है कि आपके इंटरनेट को एज अ VPN यूज करना उनके यूजर्स के लिए, और जिस वजह से ये आपको पे करते हैं। तो फर्स्ट आप पॉन्स में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और बैठ के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आपका इंटरनेट शेयर हो रहा है इससे आपका अर्निंग, आप चाहे काम करो या ना करो, आपका अर्निंग जो है वो होता जाएगा एंड आपके अकाउंट में पैसे जो है वो आते रहेंगे। पॉन्स ऐप आपको मिनिमम $5 का थ्रेशोल्ड देता है कि $5 अर्न होते ही आप इसे अपने डायरेक्ट PayPal अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हो। सेकंड, आप पॉन्स ऐप से ही अर्न कर सकते हो बाय डूइंग सर्वेज। ये आपको सर्वे भेजते हैं, जो कि आपको पता है कि सर्वे आज के डेट में एक लेजिटिमेट तरीका होता है जिसमें आप अपना ओपिनियन देके आप अर्न कर सकते हो। इनफैक्ट गूगल भी इस चीज के लिए पैसे देता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, लेकिन पॉन्स ऐप में डिफरेंट क्लाइंट्स के सर्वेज होते हैं। गूगल में उनका अपना होता है तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं या लिमिटेड सर्वेज आते हैं, बट यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे सर्वेज करने का मौका मिलता है और हर सर्वे के लिए आपको अच्छा अमाउंट पे करते हैं। पॉन्स ऐप, मैंने इसका रिसर्च पूरा कर लिया है, बहुत लेजिटिमेट एक कंपनी है जो कि हर पेमेंट का बहुत बारीकी से ध्यान रखती है और आपको शॉर्ट पेमेंट मिलते हैं, वरना मार्केट में बहुत सारे ऐसे इललेजिटिमेट ऐप्स हैं जो कि आपसे बहुत सारा काम करा के फिर बाद में पेमेंट नहीं करते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हो अपना घर बैठ के अर्न करना सिर्फ अपने इंटरनेट को शेयर करके या फिर सर्वेस करके, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के अलावा इस QR कोड को भी आप स्कैन करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करते हैं और अकाउंट बनाते हैं आपको इमीडिएटली $1 का ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है। तो आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए पॉन्स ऐप के बारे में, इसके बारे में ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो आप पॉन्स ऐप के ऑफिशियल YouTube चैनल को भी
सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाओ वहां पर, और बहुत सारी वीडियोस हैं जहां से आप बहुत सारा लर्न कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपने सेकंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पे, जहां से अगेन आप एक बार काम करोगे और एक बार बनवाओगे और आप हो सकता है कई महीनों और कई साल तक बैठ के अर्न कर सकते हो, एंड दैट इज निच मेंबरशिप साइट। इसका मतलब क्या है निच मेंबरशिप साइट? जब आप कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो जो कि लोग पे करके उसके मेंबर्स बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन साइट से उनको फायदा हो रहा है, उनके मेंबर्स बने रहने में उनको फायदा हो रहा है, तब आप देखते हो कि आपको रेकरिंग इनकम उन मेंबर्स से लाइफ टाइम आती रहती है और इससे आपका पैसिव इनकम जनरेट होता है। अगर लॉजिक क्लियर हो गया है तो और क्लैरिटी के लिए मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अगेन मैं आपको यहां पर दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि किस टाइप के साइट्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। बाकी अगर आपके पास और अपना खुद का आइडियाज है तो आप आइडियाज लगाओ, लेकिन इस टाइप की वेबसाइट्स का जो रेकरिंग इनकम है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और खासकर टियर वन कंट्रीज में लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह। कैसे गाइस? निच साइट एक तो सबसे पहले होती है कि जहां पर एकदम लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो रहते हैं, मतलब आपका एक स्पेसिफिक नेच है जिस पर्टिकुलर टॉपिक की लोगों को जरूरत है और उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ कंटेंट या गाइडेंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसके लिए वो मजबूरन इस टाइप की साइट को ज्वाइन करते हैं। एग्जांपल की बात करूं सो फर्स्ट साइट एग्जांपल हो सकता है कम्युनिटी बिल्डिंग। नाउ कम्युनिटी बिल्डिंग में क्या आता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एक ऐसा नेच ढूंढो जिसकी आप कम्युनिटी क्रिएट कर पाओ कि वहां पर उस टाइप के लोग उसको ज्वाइन करते हैं और वो आपस में बहुत सारे डिस्कशंस, गाइडेंस, एक दूसरे की हेल्प करना या एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील या फिर कोई बिजनेस डील क्रैक करना, वो आपस में ही एक दूसरे से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। इस टाइप की कम्युनिटी बहुत सारी चल रही है इंटरनेट पे और वो साइट्स काफी अर्न कर रही है। अगर मैं बात करूं कि आपको यूएस के ऑडियंस को टारगेट करना है, इंडिया में तो ऐसा बहुत कम मिलेगा कि लोग इसको ज्वाइन करेंगे। हाँ, कुछ एलीट लोग ज्वाइन करते हैं ऐसे मेंबरशिप को, बट यूएस में हर छोटे से छोटा आदमी भी इस टाइप की मेंबरशिप साइट को ज्वाइन करता है, जस्ट इस कम्युनिटी के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग कम हैं और बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो एक फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते या फिजिकल कम्युनिटी नहीं बना सकते, दोस्ती यारी नहीं कर सकते, तो वो वर्चुअल कम्युनिटी को काफी ज्यादा ज्वाइन करते हैं, जहां पर जाके उनको बिजनेस मिलता है, जहां पर जाके वो गपशप कर सकते हैं या आइडियाज, थॉट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। बस इस टाइप का आपको एक साइट बनाना है। जैसे मान लेते हैं फिशिंग, इस निच पे आपने एक ऐसी कम्युनिटी बना दी जिसके लिए लोग मेंबरशिप पे करते हैं, बिल्कुल पे करते हैं। फिशिंग एक वहां पर एक ऐसा हॉबी है जिसके लिए लोग ढूंढते हैं, यार मैं अकेला फिशिंग करता हूं तो मुझे और भी लोग चाहिए जो मुझे इसमें साथ दे या मुझे हेल्प करे, मुझे बताए, क्योंकि फिशिंग वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है। लेकिन जस्ट बिकॉज वहां पर लोग बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से और वहां पर कम्युनिटी बनाना फिजिकल बहुत मुश्किल होता है, तो लोग वर्चुअल कम्युनिटी के लिए पे करते हैं, खासकर फिशिंग। तो फर्स्ट निच मेंबरशिप साइट हो सकती है कोई भी कम्युनिटी, ले लो रिसर्च करके उसके ऊपर एक मेंबरशिप साइट बना दो। आप देखना वहां पर बहुत ज्यादा टियर वन कंट्रीज से आपके मेंबरशिप जो है वो सच में आएंगी, मैंने रिसर्च कर लिया है। सेकंड जो आप निच मेंबरशिप साइट पे फोकस कर सकते हो, दैट इज मेंटरशिप। अब यहां पर मेंटरशिप का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी एक इंसान को एक ऐसा काम सीखना है जो कि वो किसी कोर्स से नहीं सीख सकता, या फिर किसी कोर्स को एक बार करके या किसी से एक बार कंसल्टेशन लेके नहीं सीख सकता, उसको कंटिन्यूअसली उसके लिए उस माहौल पे रहना पड़ेगा, उसको हमेशा ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा तभी सीख सकता है, तो अब उस केस में ये मेंटोरशिप निच वेबसाइट काम आता है और इसको लोग ज्वाइन करते हैं कई कई महीनों, इनफैक्ट कई कई साल तक ज्वाइन करके रखते हैं, क्योंकि यहां से उनको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिल जाता है अपने उस टॉपिक के लिए जिस पे वो इंटरेस्टेड है। बस आप ऐसा कोई मेंटोरशिप मेंबरशिप साइट को आप यहां पर बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पे यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ मेंटोर्स होंगे जो कि आप हायर नहीं करोगे, उनको खाली पे जाएगा कि उनको जो जो ज्वाइन करेगा उस मेंबरशिप का कुछ अमाउंट उन मेंटर्स को चला जाएगा। तो यहां पर मेंटर्स का एक अलग ग्रुप होगा और मेंटीज का अलग ग्रुप होगा, आप सिर्फ कमीशन अर्न करोगे उस रिकरिंग इनकम से। बहुत बड़ा एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री में है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ी ऐसी साइट है जहां पर लोग मेंटर्स के लिए कि वहां पर गाइडेंस मिलता है, तो हम जैसे एफिलिएट मार्केटर इस टाइप की साइट का मेंबरशिप लेते हैं और उस साइट का नाम है STM Forum।
आप यकीन मानोगे, इस पे ज्वाइन करने के लिए हम जैसे एफिलिएट मार्केटर्स $99 पर मंथ देते हैं। सोचो इंडिया में रहके भी मैं $99 पर मंथ दे सकता हूँ, तो टीयर वन कंट्रीज में लोग तो हंस से खेलते दे देते होंगे। तो इस टाइप की साइट हुई मेंटरशिप साइट, जहाँ की एक निच काम के लिए मैं मेंबरशिप लेता हूँ। निच क्या हो गया? एफिलिएट मार्केटिंग इज अ निच, और इसके लिए मैं मेंबरशिप लेता हूँ। गाइस भर भर के रह करेंगे, इनकम यहाँ पर मिलता है। बस आपको मेंटर्स चाहिए होंगे जो कि आपको हायर नहीं करने, उनको हर महीने सैलरी नहीं देनी है, बस उनको जो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका रेवेन्यू आपके उन मेंबर से थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा, जिस वजह से वो बाकी एफिलिएट मार्केटर्स को वहां पर गाइड करते हैं, वो भी कई कई महीनों तक, कई कई जब तक वो मेंबर्स वहां पर रहना चाहता है तब तक। तो इस टाइप के काम को भी आप अंजाम दे सकते हो। That is a second source of revenue from passive income. Third passive source of income, जो कि again underrated है और आप इससे काफी ज्यादा earn कर सकते हो क्योंकि बहुत कम competition है लेकिन high volume है, that is known as eBay drop shipping. बिल्कुल सही सुना guys. अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा famous website है तो ये underrated कैसे हुआ? Don't worry, website popular है तभी तो उसका फायदा उठाना है, लेकिन जो category मैं बताऊंगा वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और अंडररेटेड भी है, लोग उसमें कम काम कर रहे हैं, आप काम करो हो जाएगा। अब ईबे ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग का मतलब नहीं पता मैं उनको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपको सामान पहले खरीदना नहीं होता है, पहले ऑर्डर आता है और आप अपने वेंडर को अपने कस्टमर का एड्रेस भेज देते हो, वेंडर को पे कर देते हो अपने कस्टमर के बिहाफ पे, और वेंडर जो है डायरेक्ट सामान आपके कस्टमर में भेज देता है। यहां पर आपको स्टॉक रखने का पैसा नहीं खर्च हुआ, आपको स्टॉक को मेंटेन करने का कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, ऑर्डर पहले आएगा फिर आप वेंडर को बोलोगे ये सामान भेज दो, इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ईबे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉप शिपिंग का वेबसाइट है और काफी ट्रस्टेड है, लोग इसमें भर भर के अपना जो ऑर्डर्स हैं वो डालते हैं, कस्टमर्स बाय करते हैं और इसी का ही फायदा उठा रहे हैं। अब मैं आपको दो ऐसी कैटेगरी बताने जा रहा हूं, वैसे तो यहां पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं लेकिन दो ऐसी बड़ी कैटेगरी बताऊंगा जिसके अंदर काफी ज्यादा काम है, मतलब काफी ऑर्डर्स आते हैं लेकिन उस पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे आपने काम कर लिया तो आपको भर के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। नंबर वन पे बताऊंगा गाइज, दैट इज गार्डनिंग टूल्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय गार्डनिंग टूल्स गाइज? क्योंकि यूएस जैसी कंट्री जो है, जो कि टीयर वन कंट्री है, उसका अगर कंट्री साइड वाले होम्स देखे, मेन शहर तो नहीं कंट्री साइड, जो कि उनका गांव होता है लेकिन उनका गांव भी बहुत एडवांस होता है। अब उन गांव में क्या होता है, बड़े बड़े घर होते हैं और उनका अपना पर्सनल लॉन होता है और उसी लॉन पे घास पत्तियां उगती है। अब वहां पर लेबर तो बहुत महंगी है, हमारे इंडिया में तो माली आसानी से बहुत ही कम प्राइस में माली आ जाते हैं, गार्डनर्स आ जाते हैं, लेकिन वहां पर नहीं होते, वहां पर उनको खुद का काम खुद करना पड़ता है। तो वो खुद की गार्डनिंग को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं और उन इक्विपमेंट्स को आप यहां पर बेचने वाले हो। आप देखना कि इजीली आपके प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं और हाई मार्जिन पे बिक रहे हैं क्योंकि वो लोग खरीदते ही खरीदते हैं, बस आपको खाली उनको अवेलेबल कराना है। सेकंड सेम हियर इज किचन इक्विपमेंट्स। वहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुक भी आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको अपना खाना खुद बनाना है, खुद बच्चे संभालने हैं, ऑफिस जाना है, सब कुछ खुद करना है, तो वो किचन को भी प्रॉपर अपने टूल से भर के रखते हैं, हर एक इक्विपमेंट्स, हर एक चीजों को वो मेंटेन रखते हैं, उनको चाहिए, उनकी मजबूरी है, बस इन्हीं मजबूरी का सीधा प्रोक्योरमेंट आपको करना है और वहां से अर्न करना है। तो ये दो ऐसी कैटेगरी है जिन पर मैंने पर्सनली रिसर्च कर लिया है अपने टूल से, जो कि मैं महंगे महंगे खरीदता हूँ, हर महीने का मैं पे करता हूँ, आपको मैंने easily research करके दे दिया है। इन दो category में काम करना है and आप देखना कि आपके orders भर भर के आ रहे हैं। करना क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आप eBay में जाओ और इन दोनों category पे अपना एक स्टोर बनाओ और उन आइटम्स को लिस्ट करना शुरू कर दो जो कि अली एक्सप्रेस या अली बाबा में अवेलेबल है। आप सिंपल जब भी कोई आपका ऑर्डर यहां पर ईबे से आए, आप जल्दी से अली एक्सप्रेस में जाओ और वहां पर अपने कस्टमर का एड्रेस मेंशन कर दो, अली एक्सप्रेस आपका जो प्रोडक्ट है वो यूएस में भेज देगा, आपके कस्टमर को जैसे ही वो पेमेंट मिल जाएगा ईबे आपको आपका अमाउंट जो है रिलीज कर देगा, क्योंकि ईबे के पास तो ऑलरेडी उसने पे कर दिया है, कस्टमर ने पे कर दिया है, आपको अपने अकाउंट में दिखेगा। अब आप यहां पर देखोगे गाइस कि आप आराम से 30-40% तक का मार्जिन रख सकते हो सिर्फ इतना सा इन्वेस्ट करके कि
आपको सिर्फ अली एक्सप्रेस को पहले पेमेंट देना है, वो भी यहां से जब ऑर्डर कंफर्म हो गया है कि आपके पास ईबे का ऑर्डर आ गया है। तो इससे सिक्योर्ड बिजनेस इस दुनिया में और क्या हो सकता है। तो दैट इज द रीजन ये एक बहुत ज्यादा इजी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें सिर्फ काम इतना रह गया कि आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिया, आप ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, आपको सिर्फ इन ऑर्डर्स को दिन में एक बार बैठ के आपको अली एक्सप्रेस में उसको डाल देना है, बस आपका काम इतना ही रह गया। तो अल्टीमेटली ये एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही बन गया। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है और आपको ये सारी चीजें जो है डिटेल में समझ आ गई है, तो आई होप गाइस मैं एक लाइक का हकदार जरूर बनता हूं। शेयर करें बिना तो बिल्कुल मत जाना। अभी तो दो और ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बताने वाला हूं जो कि अमेजिंग होने वाले हैं। तो गाइस द फोर्थ पैसिव इनकम इज जो कि आपको बहुत अच्छा इनकम दे सकता है बैठे-बैठे, दैट इज शटर स्टॉक फोटोज। बिल्कुल सही सुना दोस्त, कि अगर आपके पास मोबाइल है और आप फोटो खींच सकते हो, आप मोबाइल से हाई क्वालिटी इमेजेस को आराम से यहां पर बेच सकते हो अपलोड करके। जैसे ही एक आपका कोई फोटो अपलोड होता है और वो फिर बिकना शुरू हो जाता है, तो वो कई कई महीनों कई कई साल तक वो बिकता रहता है। गाइस सिर्फ फोटो खींच के ही नहीं, ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं शटर स्टॉक से अर्न करने के लिए। आप खुद की फोटोज बना लो, आप कैनवा में जाओ फोटोज बनाओ, पहले आप रिसर्च करो शटर स्टॉक में जाके कि किस टाइप के फोटोज बिक रहे हैं, और उसके बाद आप उसे कैनवा में बना लो, फोटोशॉप में बना लो, अपलोड कर दो, बिकेगा। आप AI से इमेज बनाओ शटर स्टॉक पे, वो भी बिक रहा है। आप फैमिली फोटोज डालो शटर स्टॉक पे, वो बिक रहा है। आप एनिमल्स की फोटोज डालो शटर स्टॉक पे, वो बिक रहा है। बस ध्यान रखना उसका इंटेलेक्चुअल राइट आपके पास होना चाहिए कि वो फोटो या तो आपने खींची है या बनाई है। अगर आप गूगल से डाउनलोड करोगे तो गाइस वो नहीं होने वाला है। इस तरीके से शटर स्टॉक पे फोटोज अपलोड करना बेचने के लिए अनलिमिटेड फ्री है। आप दिन के 100-100 फोटो, 100-100 इमेजेस, 100-100 पिक्चर्स जो है यहां पर अपलोड करो, ये एक बार आपका अकाउंट जो है ना एक अच्छे पोजीशन पे आ जाएगा, एक यू नो आपकी प्रोफाइल का एक वेट क्रिएट हो जाएगा। आप देखना कि आपकी फोटोज को ज्यादा रिकमेंड करेगा शटर स्टॉक, क्योंकि आपका एल्गोरिथम शटर स्टॉक का जो है वो ट्रिगर हो जाएगा आपके अकाउंट के लिए। तो इस टाइप के शटर स्टॉक फोटोज जो है आप आराम से बेच के अर्न कर सकते हो। मैंने इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे बना दिया है, जाके देखो, और आप आराम से शटर स्टॉक पे एक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करके लाइफ टाइम पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। बहुत अंडररेटेड है, बहुत लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट मैंने ही इस पे वीडियो बनाई थी, तब जाके लोगों ने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए थे कि सर ऐसा भी काम होता था, हमें तो पता ही नहीं था। तो यस, आप इमेजेस फोटोज बेच के भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैसिव इनकम व्हिच इज वेरी अंडररेटेड इज प्रिंटेबल्स। कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको लोग आपसे सिर्फ एज अ डिजाइन पीडीएफ फाइल खरीदते हैं, मतलब एज अ डाउनलोडेबल फाइल खरीदते हैं और फिर उसको घर पे प्रिंट करते हैं और उससे आप अर्न करते हो, दैट इज नोन एज प्रिंटेबल। ये वन ऑफ माय फेवरेट पैसिव इनकम सोर्स है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, मैंने आपको आई बटन पे दे रखा है, आप चाहो तो देख लेना वरना आप ढूंढ लेना। प्रिंटेबल्स क्या होता है गाइस, ये सबसे ज्यादा एटसी पे बिकता है। यहां पर क्या होता है कि आप कुछ ऐसी चीजें बना लो जो कि एक बार अपलोड होनी है, और अगर वो चल गई या आपने चला दिया तो लोग उसको डाउनलोड करेंगे, अपने प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे और काम अपना कर लेंगे। इस पे दो बहुत बड़े एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी काम होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो हैरान हो जाओगे, वरना मैंने तो इस पे प्रूफ भी किया है। सबसे पहला है कलरिंग पेजेस। कलरिंग पेजेस लोग आपसे खरीदते हैं, प्रिंट निकालते हैं, उस पर कलर भरते हैं। ये टीयर वन कंट्री का एक वन ऑफ द बिगेस्ट हॉबी है जिसपे आप आराम से पैसा बना सकते हो। सेकेंड है स्टिकर्स। आप स्टिकर्स बनाओ, उन स्टिकर्स को लोग डाउनलोड करके अपने प्रिंटर से स्टिकी पेपर्स में उसको प्रिंट करते हैं, फिर घर में अपने जगह जगह चिपकाते रहते हैं जहां जहां उनका शौक है। तो स्टिकर्स और कलरिंग पेजेस एटसी में काफी ज्यादा बिकते हैं। आप एटसी में जाओ और अपना एक स्टोर बनाओ और इस टाइप का डिजाइन बना के, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियोज जो है बना दी है, आप जाओ डिटेल में देखना, डिटेल में देखो, खुद रिसर्च करना करो और इन पे काम स्टार्ट कर दो। तो ये था मेरा फिफ्थ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो कि अंडररेटेड है, बहुत लोग नहीं करते हैं, बस जितने लोग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स उन छोटे से उस कम्युनिटी में क्यों ना आ जाए जो कि बहुत अर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो दे दिया है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहा होगा, क्योंकि मैंने इस पे अपना पूरा अंतरात्मा से आपको आपकी भलाई को माइंड में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप एक अच्छा ऑनलाइन करियर बना पाओ जिससे आप ऑनलाइन से ही अर्न कर पाओ, आशा करता हूं गाइस आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, तो गाइस कर लो और शेयर करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूस लाता रहता हूं, आप लोगों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। और बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।
कमेंट में आप मुझे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका सवाल है, कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, मैं बिल्कुल उसको लेने के लिए तैयार हूँ। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड